नमस्कार, एक्वा ट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल गिल डिजीज़, गलफड़ा रोग, जिसको BGD भी बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। बैक्टीरियल गिल डिजीज़ काफ़ी संक्रामक रोग है, बहुत तेज़ी से फैलता है, बैक्टीरिया का द्वारा होता है, बहुत तेज छुआछूत का रोग है ये। फ्लेवोबैक्टीरियम द्वारा होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल होता है, रॉड शेप्ड होता है और स्ट्रिक्टली एरोबिक है। गिल्स को इफेक्ट करता है, यंग वंस को ज़्यादा इफेक्ट करता है। पूरा नाम फ्लेवोबैक्टीरियम ब्रैंकियोफाइलम है। साइन एंड सिम्टम्स में ये बहुत ज़्यादा संख्या में फिलामेंटस बैक्टीरिया गिल के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ पर ही मल्टीप्लाई करके ये एपिथीलियल सेल्स को बढ़ा देता है, जिससे कि गिल के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, क्लब कर जाते हैं और उनके बीच में से पानी जाना बंद हो जाता है, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब ये बैक्टीरिया पानी में उपलब्ध होता है, तब ये 1 घंटे के अंदर ही एक स्वस्थ मछली के अंदर पहुँच कर उसके गिल में अटैच हो जाता है और वहाँ पर अपना घर बसा लेता है। और जब वो मछली संक्रमित हो जाती है, तो उस संक्रमित मछली से दूसरी मछली जो उसके साथ रह रही हैं वो भी संक्रमित हो जाती हैं। इसके में भी कुछ ही घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मॉर्टेलिटी जो है वो 1 दिन में 20 से 25% तक होने लगती है। जो गिल के अंदर डैमेज होता है, वो उसके अंदर ये बैक्टीरिया जाता है तो वहाँ पर जो टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं उनमें हाइपरप्लासिया करता है, यानी कि बहुत तेज़ी से उनकी बढ़ोतरी करता है। अब बाद में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से जो गिल के फिलामेंट होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो उनमें सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और मॉर्टेलिटी इसी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। अब एक चित्र देखिए, यहाँ पर ऊपर कुलम हटा दिया गया है तो अंदर गिल्स दिख रहे हैं। गिल रेकर है, उसमें गिल आर्च है और उसमें देखिए जो है गिल के फिलामेंट्स लगे हुए कई रो में। अब इनके एक हिस्से को इधर देखा जाए तो इधर देखिए, तो ये जो गिल फिलामेंट्स हैं कई हैं, इनके बीच में रास्ता है, इसके अंदर से भी पानी जाने का रास्ता है और इसी के अंदर गिल लैमेली होते हैं। जो गिल लैमेली होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि अंदर जो है आपको रक्त वाहिकाएँ दिखाई दे रही हैं, सूक्ष्म, इनको कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं, बहुत महीन होते हैं। जब ये पानी के संपर्क में आते हैं तो पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पानी में छोड़ देते हैं और इसमें लगातार पानी जो है वो बहता रहता है। तो जब बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो वो जो रास्ता आपको दिख रहा है जिसमें से पानी बह रहा है, ये सब बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ हो जाती हैं और सब आपस में चिपक जाते हैं, तो इनकी जो सांस लेने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है, वो कम होती जाती है। ये देखिए असली चित्र, इसमें आप देखेंगे कि पीछे की तरफ तो कुछ आपको ठीक दिख रहा है लेकिन आगे की तरफ आपको दिखाई देगा कि जो है जो गिल्स हैं उनके जो फिलामेंट्स हैं वो पूरे के पूरे आपस में चिपक रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और फ्यूज़ हुए जा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये सांस लेने में इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसको कि आप देखेंगे कि मछली बहुत दम लगा के सांस ले रही है, सरफेस पर आ रही है, इरेटिक तैर रही है और मुंह खोल के हवा से जो है सांस लेने की कोशिश कर रही है। इस वजह से ये इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान हो जाते हैं कि इनकी पूरी एपेटाइट चली जाती है, ये थोड़ा या बहुत कम खा पाते हैं और जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो मछली मर जाती है। और ज़्यादातर यही होता है कि अगर इन्फेक्शन को शुरू में क्योर नहीं किया गया तो मछली मर जाती है। ये कुछ चित्र देखिए, यहाँ पे इफ़ेक्ट हो गया है ये पूरा का पूरा गिल का हिस्सा। यहाँ देखिए ये पैच आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो मछली पूरी तरह से सांस लेना इसको मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछली मर जाएगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ गिल्स जो है वो ख़राब होते जाते हैं इस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण और मॉर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया को बढ़ावा तब मिलता है जब पुअर लिविंग कंडीशंस होती है, यानी कि पानी में ओवर क्राउडिंग है, DO कम है, तालाब में जो है वो हाई ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि जो कार्बनिक मलबा है वो बहुत ज़्यादा है,
टेम्परेचर ज़्यादा है, एक्सेसिव अमोनिया का लेवल हो गया है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें जो है ये रहने की जो कंडीशंस हैं उनको ख़राब करती हैं। तो इस ख़राब कंडीशन में ये बैक्टीरिया और अच्छी तरह से फलता फूलता है और ज़्यादा असरदार हो जाता है। एक बार ये तय हो जाए डायग्नोसिस में कि ये बीमारी है, चाहे आप PCR से या हिस्टोपैथोलॉजी या और भी तरीके से आप टेस्ट करा सकते हैं, तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। पॉन्ड सैनिटाइजेशन करिए पोटेशियम पर मैगनेट से 5 mg/L के हिसाब से, या सीफेक्स 1 L पर हेक्टेयर पर मीटर के हिसाब से डाल सकते हैं, ये सीफा द्वारा बनाया गया है। बेंजलकोनियम क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी 2 to 3 PPM आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िए जो इस पर लिखा हुआ है। क्लोरामीन टी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप 10, 15 या 20 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिन लगातार करना बहुत उचित होगा, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है 100 mg/L के हिसाब से। रोकाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी इंस्ट्रक्शंस आप देख लें, इस पर लिखा हुआ है कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। जो भी दवा आप इस्तेमाल करें उसे आप USFDA या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार ही इस्तेमाल करिए। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हाई क्वालिटी का जो है इन्वायरमेंट वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके लिए DO का लेवल हमेशा अच्छा रखें, 6 से ऊपर रखें, एल्कलिनिटी 100 PPM के आसपास रखें, एस कैल्शियम कार्बोनेट, कोई एक्सेसिव फिश हैंडलिंग ना करें, लो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होने चाहिए तालाब में आपके या कि कल्चर मीडियम में, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी बिल्कुल ना करें, अगर करें तो उसका पूरा इंतज़ाम हो, बायोसिक्योर्ड आपका इंतज़ाम पूरा होना चाहिए तालाब, ताकि बाहर से वाइल्ड मछलियाँ बिल्कुल ना आए उसमें, अमोनिया 1 PPM से कम हो, नाइट्राइड 0 हो, कार्बन डाइऑक्साइड घुलित अवस्था में 4 PPM से कम हो, कोई ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा खाना मत खिलाइए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ओवर फीडिंग जो लोग करते हैं उनका तालाब कभी बीमारियों से मुक्त नहीं रहता, और अप्रोप्रिएट फीड दें, जो मछली आप पाल रहे हैं उसके हिसाब से उसका खाना मिलता है वही खाना दें, पैलेटाइज फीड ही इस्तेमाल करें। जो भी आपके कैलकुलेशन में खाना आ रहा है उसका 10% कम ही डालें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और तमाम दूसरी समस्याओं से आप पूरी तरह से बचे रहेंगे। सैनिटरी जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं उनका आप पूरा पालन करें, फार्म के लिए हाथ धोएं, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में पैर धोएं, जितने अप्लायंसेज हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने एप्लीकेशन के टूल्स हैं उन सबको स्टरलाइज करते हैं, धूप में रखिए, ये सब काम बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो बार बार बोलते हैं आज फिर से बोलेंगे कि जो भी ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल करें अपने यहाँ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और अगर ये बीमारी आपके यहाँ से आई है और तो दोबारा ना आए, इसके लिए आप जितने भी आपके जो प्रोसेसेस हैं, प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, डिज़ाइंस हैं, सबको इवेलुएट करिए और ज़रूरत पड़े तो उसमें चेंजेस लाइए, ताकि बीमारी दोबारा आपके फार्म पर बिल्कुल ना आए। तो इस तरह से ये बाय बाय गिल डिज़ीज़, अगले वीडियो में बैक्टीरियल टेल या फिन रॉट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो से आपने कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।